वो लड़की अगर मुंबई को यूनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को यूनी पाकिस्तान बोलने की? न्यूज नेशन आपसे जानना चाहता है कि कल महिला को लेकर जो अपशब्द आपने कहे उसको लेकर आप माफी मांगेंगे तो पीछे लेना ये। जी बिल्कुल संजय राव जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ, देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। दूसरे स्टेटमेंट में आपने सीधे सीधे कहा कि हरामखोर, हमारे महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो हम, तू हरामखोर है यानी तू बहुत नॉटी है, नॉटी, और दूसरा है कि बेईमान है। हमारे यहाँ तो आप क्या बोल रहे थे, नॉटी या बेईमान? दोनों है, नॉटी, देखो वो नॉटी गर्ल है मेरे हिसाब से। लेकिन देश प्रेमी कौन है हमारे देश में? अर्णब गोस्वामी, जिसके वजह से एक निरपराध व्यक्ति महाराष्ट्र में जिसने आत्महत्या की, कंगना रनावत, ये देश प्रेमी है। और आपको शर्म आनी चाहिए सबको, आप उसको शरण दे रखिए। तो ये जो चल रहा है ये नहीं चलेगा सर। पूरे महाराष्ट्र में बंगाल जैसी परिस्थिति निर्माण करने का काम ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसेना क्यों बैठेंगे? क्या कभी नहीं बैठेंगे? अगर आप हमारे घर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। शिवसेनेच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका, मातोश्रीशी छेडछाड करू नका, 20 फुट खाली गाड़ले जा। पुलिस है जो मेरे घर के पार्लियामेंट के एरिया में जो पुलिस स्टेशन आता है वहाँ जाके जो खुलेआम मुझे गुंडे जैसी एक राज्यसभा मेंबर ने धमकी दी 20 फुट नीचे गाड़कर, और आपकी पूरी सामग्री क्रियाक्रम की हमने ऑलरेडी मशान में पहुंचा दी है। इस तरीके का भाषा जो जिसने किया है संजय राउत, जिनको हमारे महाराष्ट्र में पोपट बुलाते हैं, ऐसे पोपट के अगेंस्ट में मैं FIR करने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मैं खुद जाकर FIR दूंगी। बंटी बर्दे को छोड़ दीजिए आप, ये नौटंकी है ना, ये नौटंकी, उधर जाके करो। मैंने एक जानकारी दी है कि नवनीत राणा जो जेल में है उनका एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है, विधायक चले जाते हैं पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। देखिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जो पार्टी के चीफ है शिवसेना के, कल रात को अपने पद से इस्तीफा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार का निर्णय आया है उसके बाद पद पर रहना उनके लिए उचित नहीं था। बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले वो नेता है, कल त्यागपत्र दिया है, लोगों से अपील की है कि किस परिस्थिति में उनको ये पद छोड़ना पड़ा। 2.5 साल तक उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार चली, शिवसेना उसमें थी अर्थात, और सभी का उनको सहकार्य मिला, सोनिया जी हो, पवार साहब हो। लेकिन उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this. Subscribe, click on the bell to turn on notifications.